अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखो, हमें किचन क्लीन कर डाले। फर्स्ट बार मैं हमारा किचन दिखा लूँ। सो देखो, इधर चॉपर, मिक्सी, सभी छोटे मोटे चीज़ें इधर रखूँ। देखो अंडियन का डब्बे, छोटा ना किचन, मोहन सभी एडजस्ट करके रखना रहता है। देखो छोटे मोटे मसाले के डब्बे का, देखो गरम पानी का जग रखी हूँ यहाँ। इसमें पिंक सॉल्ट रखी हूँ। ये देखो छोटा मनी प्लांट, ये मेरे थायराइड के टॉबलेट, ये छोटे मोटे स्पूना वेस्टेज, ये तेल का सेक्शन, ये बॉटला सब धोको होना में अब तेल पा भर्ती करना। सो ये देखो ये नमक का, नमक देखो चमचे, चाकुआ, दाल घुटनी, ये मेरा चूल्हा रोज देखती ना तुम्हें, ये सिंक, ये देखो ये भी मनी प्लांट छोटा मोटा, ये बड़ी चाकू, हाँ देखो ये भी स्पूना, ये भी मनी प्लांट, सब देख को ही ना। देखो देखो ये हमारा ओवन में ओटीजी रखने जगह नहीं है, ऐसा रख डाली हूँ पैक कर को, एक ही बार यूज करे। सो चीजा सभी अब पकाने के टेम्पो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बर्तन के ड्रायर आएंगे छोटे मोटे, हम भी छोटे मोटे, मिक्सी रखी हूँ। छोटा ना किचन, छोटे किचन के हिसाब से ड्रायर से भी रखना। सो छोटा मोटा पकाने के टाइम पर मिलेंगे। कोफ्ते पालक बना रही हूँ आज मैं, और यह को जूस बना करते हैं। बिस्मिल्लाह। टैंग बना करते हैं, और यह को हमें बनाते रहेंगे। लो हुरिया, ले बेटा खीमा बना लेंगे अब हमें। मैं तो चिकन मंगा लेती हूँ, सो खीमा मंगाती नहीं, वो बहुत रश रहता है, वहाँ अच्छा नहीं बनाते थे। कैसा मिले वो धोए नहीं बगैर बना डालती हूँ, वो धोए तो भी चिकना की सब चले आचे। उसके वास्ते मैं घर में हमेशा खीमा तो मैं घर में ज बना लेती। सो चापर में डाला लेते, 5 मिनट का काम हो गया, अभी बड़ा नहीं कर लेते, आराम से हो जाता चिकन का। आखिर प्याज, एक दो प्याज, 6-7 हरे मिर्चा, देखो 3 प्याज डाल को हूँ। देखो एक दो, एक 5-6 हरे मिर्चा, जरी कोथिमीर, दो टमाटो ग्रेवी में जाता है। चॉप कर लेंगे कोथिमीर, हरे मिर्चा, दो प्याज, एक 5-6 हरे मिर्चा, एक जरी कोथिमीर डाल को चॉप कर लेंगे।
उसके बाद चिकन दाल को कीमा बना लेंगे। हो गया, अब हमें चिकन डालेंगे उसमें से। जरा जरा दाल को पीसे तो जरा अच्छा बारीक हो जाता है। कुछ भी नहीं, अब इसमें जरा काली मिर्ची जाचे। काली मिर्ची नमक ज्यादा ज्यादा हो जाता है करको, दो भी एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब जरा अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्ची ज्यादा होता चाहिए। पालक के कोफ्ते की ग्रेवी बना रही हूँ उसमें। जरे काली मिर्ची, एक बड़ा टीस्पून हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पूरा पूरा मिक्स कर लेंगे हमें। ये जरा तेल डाल लेंगे, सॉफ्ट होती नहीं तो हार्ड हो जाती। पालक के कोफ्ते की ग्रेवी बनाए तो बहुत टेस्ट होती, बना को खा को बोलो। पालक की ग्रेवी बनाने, देखो एक कट्टा बड़ा है सो पालक की भाजी है। एक ज़र्रा पानी रख लूँ बॉईल करने, टमाटो भी पालक की भाजी, हरे मिर्चा बॉईल कर लेंगे, कोथिमीर भी प्याज चॉप कर लेंगे, ज़रा एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छे पालक की ग्रेवी बनाने, हम स्टोव ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हमें टमाटर डालेंगे। मैरिनेट के वास्ते रखी हूँ, टमाटर हरी मिर्च बॉइल हो रही है। आज हमारे दोस्तान सब आ गए थे, हमारे फ्रेंडा बाहर, बहुत दिन हो गए फिरने जाको, हमें कान तब जाएंगे कर को इनशाला, कान तब गेस्ट हैं, वो भी ब्लॉग बनाती हूँ आगे ना, उसमें लेट होगा पकाने आज। उससे जल्दी क्या बनता है, क्या बनता है जल्दी का कर को सूझ को, पालक के कोफ्ते बना लेंगे, जल्दी भी हो जाता है, आराम से बन भी जाती हैं कर को बोल को बना ले रही हूँ। सो हमारे दोस्त को बहुत जल्दी मिलाती हूँ, बाहर जाने वाले ही हमें, वहाँ ब्लॉग बनाती हूँ इंशाल्लाह, तुम्हारी सबकी दुआ रही तो। हरे मिर्चा टमाटो बॉईल हो गई, अब हमें पालक की भाजी डाल लेंगे, ये भी एक भाम पाई के बाद काट लेंगे इंशाल्लाह, बाद में भी पकता ना ये इंशाल्लाह, एक ही चेक भाम पाई के बाद।
फ्रेंडा को मिलाना करको हूँ, कमेंट में बोलो मिल देखना चाहती क्या तुम्हें। हम पागी अब हम ये भाजी ज़्यादा बॉईल करे तो कलर चेंज हो जाता है पालक की भाजी का, हमें इसका पानी निथार ले को भाजी को ज़रा ठंडे पानी में मिक्स कर लेंगे। दो मिनट भाजी ठंडी होते देखो उसका पानी इतना निकले, हमना ग्रेवी बस हो जाती आराम से, हम सो स्पंज ने ना में बस हो जाती है ग्रेवी। देखो देखो पानी में डालियो ठंडा होने करके पालक बस कोफ्ते बना ले को ग्रेवी बाजार लेंगे हमें। टमाटर का छिलका छिलेंगे हमें, गर्म है रखी ठंडा हो दे उसके बाद छिलका छिल लेती हूँ। अब देखो मैं पालक की भाजी ठंडी हो रही है, मिक्सी में पीस लेंगे ये हरी मिर्चा पालक की भाजी सभी। देखो इतनी भाजी छोटे जार में हुई है, देखो डंटा सब काट दा लेते हो फुल कम हो जाए सो भाजी और गल गए के बाद तो छोड़ो पूछो अच्छा को। प्याज चॉप कर लियो, टमाटे बॉईल हुए थे ना वो छील को पेस्ट बना लियो, एक हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्ची, एक टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पालक भाजी पीस लियो। देखो उसका पानी ग्रेवी बनाने, देखो खीमा बन गए। अब हमें एक छोटा कुफ्ता दाल को देख लेंगे हमें, अच्छा बन रही हमें। प्यारे बड़े दिन कुत्ते प्यारे बन रही, कलर भी ब्राउन कितना अच्छा हो रहा देखो, माशाल्लाह बहुत टेस्टी रहती बना के खाको। देखो पालक के कुत्ते पालक के ग्रेवी के कुफ्ते बना को देखो खाको। देखो क्या पैर से ले जा रही, धीमी आंच को तल ले तो ये ग्रेवी में भी दम होते ना चुपके, जर्रा ब्राउन हुए तलक तल लेंगे हम ये, उसके बाद ग्रेवी बना लेंगे। देखो क्या टेस्टी बनी,
पूरे कर लेंगे कुफ्ते अच्छा तरह प्याज भूजे जाते अच्छा जरा अदरक लहसुन के भुनने को अदरक लहसुन का स्मेल देने के बाद टमाटो भी डाल लेंगे हमें छोटी कटोरी टमाटो डाल लेंगे जरा ग्रेवी होना ना उसके वास्ते दे जाते जरा मसाला ये मसाले से अच्छा भूंदेगी ग्रेवी के अब हमें पालक का पानी डाल लेंगे इसका एक बॉयल आंदे मसाले सब मिक्स हो गए माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कुफ्ते की जरा हमें फ्रेश क्रीम मिला लेंगे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अब हमें पालक का पालक डाल लेंगे पीस कर रखे पालक लाइक कर लियो सब्सक्राइब करो तुम्हारे फ्रेंडां बोलो भानां बोलो रिश्तेदारां को बोलो प्लीज सब्सक्राइब कर लियो बा लाइक भी कर लियो ज़रा भी मेरा चैनल मेरा पकवान पसंद आया तो मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा पकवान पसंद आया तो तुम्हें सब्सक्राइब भी कर लियो लाइक भी कर लियो अल्लाह हाफिज़ माशाल्लाह क्या प्यारी खुशबू आ रही बन गा अब हमें
बोल में डाल देंगे।